हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग। पीएलसी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ काउंटर्स के बारे में। ऑलरेडी मैं ब्लॉक टाइप काउंटर डिस्कस कर चुका हूँ, तो पिछली वीडियो में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आज कॉइल टाइप काउंटर की। हमारे पास में दो टाइप के हमारे पास में कॉइल टाइप काउंटर हैं, काउंट अप एंड काउंट डाउन। और बीसीडी काउंटर में हमारे पास में जो ब्लॉक टाइप काउंटर हैं वो भी हमारे दो टाइप के, मेनली CU एंड CD, यानी कि काउंट अप और काउंट डाउन। यहाँ पर जो कॉइल टाइप काउंटर हैं वो कुछ लिमिटेशंस के साथ में यूज़ होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है ब्लॉक टाइप के जैसा। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा सही रहेगा कि आप उसको देखें पहले। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, पहले काउंट अप के बारे में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। इसको आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे काउंटर, यानी कि यहाँ पर नेमिंग पूछ रहा है। C0 काउंट इसको वैल्यू दे देते हैं। इसको एक इनपुट अप्लाई करना होगा जिससे ये आपको काउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगेन मैं CD को भी लगा देता हूँ। CD के लिए एक इनपुट लगा दिया मैंने और एक काउंटर कॉइल लगा दी CD के लिए, और इसको नाम दे देते हैं C1। ओके, तो यहाँ पर एक इनपुट दे देते हैं I0.1, यानी कि काउंट डाउन इनपुट, और ये हमारा काउंट अप। तो ये है आपका कॉइल टाइप काउंटर, काउंटर अप काउंटर एंड डाउन काउंटर, अलग अलग नेम दे दिए। ओके, तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास में 0 है। जैसे ही आप इनपुट प्रेस करेंगे काउंट आपका इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस के साथ में ये काम करता है। अब अगर मैं इसको रिसेट करना चाहूँ तो मेरे पास में कोई भी इनपुट इस कॉइल के पास नहीं है रिसेट करने के लिए। तो एडिशनली हमें क्या करना होगा, सेट रिसेट के लिए हमें एडिशनली इसको रिसेट करने के लिए एक बिट लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे काउंट अप को रिसेट करना है तो मुझे इसको किसी बिट लॉजिक से रिसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में रिसेट बिट होती है, ठीक है। जब इस पर इनपुट अप्लाई होगा, कोई भी इनपुट आप दे दीजिए, चाहे मेमोरी दे दीजिए, चाहे आप फिजिकल इनपुट दे दीजिए। मैंने I0.2 इनपुट यहाँ पे रखा, और किस काउंटर को रिसेट करना है उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे C0, क्योंकि इसके पास कुछ लिमिटेड ही इनपुट आउटपुट होते हैं। जबकि ब्लॉक टाइप में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट होते हैं, सेट के लिए होता है, रिसेट के लिए होता है, PV वैल्यू होती है, आउटपुट के लिए दो अलग से टर्मिनल्स होते हैं, तो वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन CU के अंदर कॉइल टाइप जो काउंटर है उसके अंदर आप कुछ लिमिटेशन तक काम कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिसेट करना है, अभी काउंटर की वैल्यू है 10, तो अगर आपको रिसेट करना है तो आपको इस S2 को ऑन करना पड़ेगा 1 टाइम। यहाँ पर इनपुट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा रिसेट इनपुट, I0.2 पर एक इनपुट दूंगा, तो ये एक रिसेट सिग्नल इस काउंटर को 0 करने के लिए प्रोवाइड करेगा। काउंटर पर भी, रिसेट पर भी मैंने सेम एड्रेस दिया C0, क्योंकि मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे किसको रिसेट करना है। काउंटर C0 को रिसेट करना था, मैंने इसको रिसेट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं काउंट डाउन पर, इस पर आते हैं, ठीक है। काउंट डाउन यानी कि डाउन काउंटर कॉइल टाइप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ I0.1 पर, क्योंकि मेरा डाउन सेंसर है, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको डाउन, यानी कि जैसे अगर हम गेट से बाहर आ रहे हैं तो उसको काउंट कर रहा है, ठीक है, और उसका रिजल्ट हमें C1 पर दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको इनपुट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी काउंटिंग नहीं हो रही है, बिकॉज ये डाउन काउंटर है और ये ऑलरेडी 0 पर सेट है। तो आपको इसको एक वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, एक वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि CD जो है कॉइल टाइप जो काउंटर है उसके पास कोई भी ऐसा टर्मिनल नहीं है जिस पर मैं प्रीसेट वैल्यू अप्लाई कर सकूं, जैसे कि हमारे नॉर्मल काउंटर में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा नॉर्मल काउंटर है, यहाँ पर मैं वैल्यू स्पेसिफाई करता था, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करी थी और देन उस वैल्यू को सेट करके फिर डाउन काउंटर वो काम करता है। यहाँ पर इस वैल्यू को सेट करने के लिए हमारे पास में सेट काउंटर वैल्यू का एक कॉइल है, ठीक है, जिसको हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं यूज़ करूँगा वैल्यू को सेट करने के लिए, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको नेम देना पड़ेगा काउंटर का, किसको सेट करना है। अगर C0 को सेट करना चाहते हैं तो C0, अगर C1 को सेट करना चाहते हैं तो C1।
कितनी वैल्यू पर सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर इस नोटेशन में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। एग्जांपल मैंने लिखा सी हैज़ 12, यानी कि 12 पर मुझे इसको सेट करना है। और यहाँ पर एक इनपुट देना पड़ेगा, कोई भी इनपुट दे दीजिए, i 0.3 से मैं इसको सेट कर दूंगा और इसको रन कर देते हैं डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वैल्यू SC पर वैल्यू C1 है। SC क्या है आपका, सेट काउंटर वैल्यू। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस विंडो में लिखा हुआ सेट काउंटर वैल्यू। तो सबसे पहले C1 को सेट करना है 12 पर, तो i 0.3 पर इनपुट देना पड़ेगा, एक वन टाइम देना है आपको बस। और एक बार इनपुट देने के बाद हटा देना है, तो 12 पर सेट हो गया। अब आप जब भी इसके इनपुट को प्रेस करेंगे, यानी कि जब भी इनपुट पर सिग्नल आएगा, कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है, कोई गेट से बाहर निकल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आपका डिटेक्ट हो रहा है, इस सेंसर पर जब जब आपकी क्लॉक पल्स आएगी तब तब आपका C1 डिक्रीमेंट होगा। तो अभी मैं इसको एक पल्स देने वाला हूँ, ये 12 से डिक्रीमेंट होकर 11 पर आ गया। 10 9 7, ओके। और अब आप दोबारा से अगर इसको रीसेट सेट करना चाहते हो तो आगे 0.3 पर इनपुट दे दीजिए। और अगर आप इसको रीसेट करना है क्या करेंगे, एक रिसेट इनपुट देना पड़ेगा। अभी एड्रेस यहाँ पर C0 का है, तो मैं यहाँ पर अब C1 को रिसेट करना चाहता हूँ, तो एड्रेस दे दूंगा C1 का, तो C1 क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। जैसे ही मैं i 0.2 पर इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो मेरा C1 रिसेट हो गया। तो रिसेट इनपुट को यूज़ करेंगे काउंटर को, कॉइल टाइप काउंटरों को रिसेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके पास कुछ ज़्यादा इनपुट्स नहीं है, जहाँ पर हमें केवल रिप्रेजेंटेशन करना हो, ठीक है, कहीं पर हमें इसका आउटपुट नहीं यूज़ करना है, जैसे भी जो हमारा CV आउटपुट आता है उसको नहीं यूज़ करना है, तो हम इस टाइप के काउंटर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कॉइल टाइप काउंटर, CU और CD को हम एक साथ कैसे वर्क में लेते हैं। इससे पहले हमने इसको देखा कैसे ये काम करता है इंडिविजुअली। अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इनको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो मैं आप इसमें बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर मैंने लिया है, एक इनपुट लिया है, तो इसको एड्रेस दे देते हैं, फिजिकल एड्रेस दे देता हूँ, और ये काउंटर का नेम है आपका C0। दूसरा डाउन के लिए इनपुट देता हूँ, काउंटडाउन के लिए कोई सेंसर हमारा लगा हुआ है। इसको अब मुझे एड्रेस क्या करना है, देखिए अगर मैं कॉइल टाइप काउंटर को दोनों कॉइल को यूज़ कर रहा हूँ, CU और CD को, तो मुझे SC कॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SC का काम है काउंटर को किसी सेट वैल्यू पर फिक्स करना, किसी काउंट वैल्यू पर सेट करना, प्रीवियस वैल्यू पर। तो काउंटडाउन के लिए यहाँ पर जो सेट वैल्यू आएगी वो CU से भी आ सकती है। मतलब ये है कि अगर इनपुट आपका काउंट अप पर आएगा, यानी कि अगर सेंसर इस i 0.0 पर क्लोज होता है तो CU पर इंक्रीमेंट होगा, और वही एड्रेस अगर मैं यहाँ पर दे दूँ डाउन पर, तो वही रिप्रेजेंटेशन आपका सेट वैल्यू के रूप में CD पर भी दिखाई देगा। और अगर आउटपुट हमारा i 0.1, यानी कि काउंटर का जो इनपुट है उस पर आता है, कोई भी सेंसर यहाँ पर एक्टिवेट होता है, तो वो क्या करेगा, इस काउंट को उस पर्टिकुलर लोकेशन से जहाँ पर CU ने उसको पहुँचाया है वहाँ से डाउन करना शुरू कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें SC कॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम एड्रेस प्रोवाइड करने पर हम सेट वैल्यू CD के लिए ऑप्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि अभी इनपुट आपका क्या है, 0 है और काउंट भी 0 है। तो यहाँ पर मैं इनपुट बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि गेट्स के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं, तो पहला जब पर्सन अंदर आ रहा है तो काउंट 1 हो रहा है, तो वही, क्योंकि हमने एड्रेस जो है सेम दिए हैं, CU को भी वही एड्रेस है और CD के लिए भी सेम एड्रेस है, तो जो भी वैल्यू C0 पर आ रही है वो दोनों जगह इक्वल आ रही है। लेकिन इनपुट, क्योंकि कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ दोनों की अलग अलग हैं, CU काउंट अप के लिए यूज़ होगा, CD काउंट डाउन के लिए यूज़ होगा। और इसके इनपुट पर, अगर CU के इनपुट पर कोई भी सिग्नल आ रहा है, यानी कि जब गेट के अंदर कोई जा रहा है तो काउंट बढ़ रहा है, और जैसे ही CD पर, जो कि आउट गेट पर लगा होगा, एग्जिट गेट पर जो लगा होगा सेंसर, वो यहाँ से किसी को डिटेक्ट कर रहा है बाहर आने वालों को, जैसे ही इस पर इनपुट आता है तो ये उस पर्टिकुलर काउंट से इसको डाउन करना शुरू करेगा टिल 0। तो यहाँ पर जो सेट वैल्यू मिल रही है इसे C0 से ही मिल रही है, इस वजह से SC का यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने कॉइल टाइप काउंटर को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।